तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैसे स्कॉलरशिप पोर्टल से हम अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का पासवर्ड जो है तो भूल गया है शायद, तो रिसेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो नई स्कॉलरशिप की पोर्टल आई है इस पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग कि कैसे पासवर्ड को रिसेट करें। ठीक है, मतलब लोगों को भूल गया है अपना जो यूजर आईडी पासवर्ड, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं रिकवर पासवर्ड पे जाता हूँ और अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ तो फिर भी मुझे मतलब ओटीपी नहीं मिलता है। ठीक है, ओटीपी किसी के मोबाइल में भी नहीं आ रहा, तो उसका एक सोल्यूशन है। अगर आप ऐसा ऐसी मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सबसे बढ़िया मैं आपको उसको तरीका बताता हूँ, आप कैसे अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। ठीक है, रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जो टॉप पे आपको यूआरएल बार दिखेगा वहां पे आप जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सेम ऐसा ही रहने देना जैसे पब्लिक लगा हुआ, पब्लिक करना है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है रिसेट, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे लिखना है, रिसेट अप्लीकेंट, उसके बाद पासवर्ड, ओके डॉट ASPX। इतना करने के बाद इंटर कर देना। ठीक है ना, जैसे ही आप इंटर करोगे आपको एक नई विंडो मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करके, जो भी है आपकी डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फर्स्ट नेम और जो भी आपका समग्र आईडी है और फादर्स का फुल नेम वो डाल के यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ डाल के रिसेट करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इजिएस्ट मेथड है जिनका पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया, इसलिए मैं भी परेशान था, तो मेरा पासवर्ड भी रिकवर नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ से ही वो रिकवर नहीं हो रहा, पहले रिकवर होता था पर अभी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस मेथड से आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपकी हेल्प हो गई होगी, सो थैंक यू।